नमस्कार, आज हम बनाएंगे नमकीन चावल और इन्हें हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। ये 10 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं और कुकर के अंदर भी ये बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यह मैंने लिया है एक कटोरी मटर, एक टमाटर, एक आलू, एक प्याज, अदरक और एक हरी मिर्च। यहाँ कुकर में मैंने ऑयल डाला और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। चावल है, इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। ये मैंने कुछ मोटे गर्म मसाले लिए हैं, तेजपत्ता, मोटी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा, 2 लौंग। तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हींग, इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। अदरक को मैंने छिलके लंबा लंबा कट कर लिया था। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को मैंने इस तरीके से लंबा कट कर लिया था और ये एक बड़ी साइज का प्याज है। इसको हम लो फ्लेम पर थोड़ा ब्राउन होने देंगे। इस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। और हरी मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू। इसके बाद हम मटर ऐड कर देंगे इसमें और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और तेल में हम इसे कम से कम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद में हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। और टमाटर डालने के बाद हम इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद में मैंने ऐड किया नमक और नमक को मैंने मिला लिया। उसके बाद हम इसमें धुले हुए चावल डाल देंगे और इसको हम मिला लेंगे एक बार अच्छे से। अब यहाँ हम पानी ऐड करेंगे। पानी जितने हम चावल लेंगे उससे जस्ट डबल हम पानी डालेंगे। अगर हमने 1 ग्लास चावल लिए हैं तो हम 2 ग्लास पानी डालेंगे और हम यहाँ पर 2 सीटी लगाएंगे। दूसरी सीटी लगने के बाद हम इसे भाप में ही छोड़ देंगे। और देखिए हमारे चावल हैं वो बनके तैयार हैं। इनको हम 4-5 मिनट ऐसे खुला ही रखेंगे थोड़ी देर ताकि जो भाप है वो निकल जाए। और देखिए चावल हैं वो एकदम अच्छे बने हैं, खिले खिले बने हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।